हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करूँगी आप सब खुशी हों और दोस्तों ये है कि ये ब्लॉग है काफ़ी दिन पहले का और एक्चुअली आजकल आजकल मैं बिल्कुल ही जो है गायब हो गई हूँ चैनल से और जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत मेरा वीडियोस चलती थी वो भी डाउन डाउन हो गई है क्योंकि यूट्यूब का ऐसा ही होता है इस पर मतलब ये एक शॉप की तरह है अगर आप शॉप खोलेंगे अपनी डेली के डेली तो आपके ग्राहक जो आएंगे अगर नहीं खोलेंगे तो आपके जो पहले वाले ग्राहक थे वो भी ख़राब हो जाएंगे वो भी भाग जाएंगे तो इसका ये हिसाब है तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से शाम को मैं बना रही थी सब्ज़ी आलू की और यहाँ पे बस मैंने प्याज और लहसुन अदरक यूज़ करते नहीं हैं और मतलब क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो अदरक लहसुन कम ही यूज़ करते हैं लेकिन लहसुन के बिना थोड़ा सा टेस्ट भी अजीब सा आता है तो यहाँ पे प्याज मैंने कर लिए हैं लहसुन इसमें जो है हाथ वाली जो घुमाने वाली मशीन होती है उसमें से चॉप करके मैंने डाल दिए हैं इसमें तो ये जब गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे तो फिर टमाटर और जो हरी मिर्च होती है उसको मैं चॉप कर देती हूँ एक साथ तो वो डाल लेती हूँ इससे क्या है हरी मिर्च का जो कच्चापन है वो भी चला जाता है और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो दोस्तों वैसे तो आलू की सब्ज़ी होगी चने की सब्ज़ी होगी राजमा की होगी इसमें टमाटर ज़्यादा डाले जाते हैं क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है लेकिन हमारे घर में ना टमाटर से पता नहीं क्या डर सा लगता है सबको तो कम ही डालती हूँ तो एक टमाटर वो भी बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी है न मदरीन लोग वो भी बड़ी मुश्किल से डालने देते हैं उनको पसंद ही नहीं है पता नहीं क्यों जब से मैं आई हूँ ना शादी करके तो मेरे को यही मेरे को उनसे कम्प्लेंट थी उनको टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद है वो नहीं डालते हैं कुछ मतलब गिनी चुनी सब्जी हैं जिनमें वो खुद से बोलेंगे कि हाँ टमाटर इसमें डाल देना अदरवाइज़ बाकी सब्जियों में मैं खुद ही डालती हूँ तो इसके बाद फिर मैंने जब तक ही मेरा तड़का हो रहा था तब तक मैं जो है आलू फटाफट से छील छीलूँगी और आलू को छील के फिर मैं साथ में मतलब तड़का अच्छे से पक जाए तो ही सब्जी का अच्छा सा टेस्ट आता है तो वो पकता रहेगा तो मैं क्या करूँगी आलू मैं फटाफट से छील लूँगी तो दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो सरासा भी अच्छा लगे किसी वजह से भी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और, और इसके बाद फिर ना अच्छा मैं आपको बता रही थी ये ब्लॉग है शाम का और अब मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आई एम बैक टू स्कूल आई एम बैक टू माई जॉब मैंने जॉब फिर से ज्वाइन कर ली है क्योंकि क्योंकि जॉब ना जॉब करना कहीं पे भी जॉब करना हमारा एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है हम काफ़ी कुछ सीखते हैं तो पिछले वाले स्कूल में मैंने नहीं कंटिन्यू किया क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड को छोड़ने जाना पड़ता था तो हस्बैंड की भी अब जॉब है तो मतलब वहाँ पे मेरी इसी वजह से यही इशू था कि मेरे को वहाँ पे मेरे साथ उनको बनना पड़ता था वो जाना वो उनको छोड़ने जाना पड़ता था पिक एंड ड्रॉप सिस्टम था उन, उनको लेने जाना पड़ता था तो कभी कभी बंदा बिज़ी भी होता है तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती थी तो वो रोड एरिया भी ऐसा था कि वहाँ पे अकेले नहीं जा सकते थे बाइक पे नहीं जा सकते थे इस वजह से काफ़ी मेरा प्रॉब्लम हो रही थी उस में से वो जॉब बड़ी अच्छी थी तो उसके बाद फिर फिर मैंने अभी चेंज कर लिया मतलब उसके बाद फिर हस्बैंड की जॉब अचानक से सडनली उनको एक ऑफ़र आई बहुत अच्छी ऑफर थी तो उन्होंने एक्सेप्ट अच्छा कर ली तो मैंने फिर सोचा कि चलो अभी इनको ट्राई करने देते हैं कि ठीक है जॉब में कैसा इनका रहता है तो फिर मैंने स्किप कर दिया लेकिन उसके बाद ही थोड़ा देर बाद मेरे को भी एक ऑफ़र आ गई जॉब की तो फिर मैंने भी अपना कॉन्टीन्यू इस जॉब में मेरे को ये बहुत अच्छे ये मेरा है फीचर जॉब का कि मेरे को घर से ही घर के सामने ही जो है वैन आ जाती है स्कूल की मतलब घर से ही जाओ और घर पे ही आके उतरो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जिस वजह से मैं हस्बैंड के बिना भी मैं अपनी जॉब मैनेज कर सकती हूँ तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है शाम को भी सबने खाना खा लिया खाना बन गया खा भी लिया सबने अब शाम शाम को क्योंकि सुबह मेरे को अपने जाना है स्कूल जाना है तो शाम को मैं सारी प्रिपरेशन कर लूँगी अगर नहीं करूँगी तो फिर क्या होगा सुबह भागम दौड़ लगी रहेगी ठीक से ठीक से खुद तैयार नहीं हो पाऊंगी ठीक से नूर को तैयार नहीं कर पाऊंगी और ठीक से टिफ़न्स वगैरह टिफ़न क्योंकि तीनों के जाएंगे हस्बैंड के हस्बैंड का मेरा और नूर का टिफ़न तीनों के जाएंगे वो सब जो है मैं कर नहीं पाऊँगी तो अभी मैं यह क्या कर रही हूँ बर्तन वगैरह मेरे हो गए हैं हाफ हो गए हैं सबसे पहले मैंने जो टिफ़न्स हैं सब के हम तीनों के वो मैं अच्छे से क्लीन करके रख लूँगी ताकि वो सुबह मेरे को एकदम ड्राई एंड रेडी मिले तो मैं क्या करूँगी सब्ज़ी रोटी बना के फिर मैं सबसे पहले फटाफट फड़ से मैं टिफ़न्स पैक कर लूँगी टिफन्स पैक करने का जो टास्क है वो मेजर होता है क्योंकि सारा दिन बाहर रहना होता है तो खाना है खाना बहुत ज़रूरी है खाने खाना खाए वगैरह हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं तो फिर टिफ़िन बहुत ज़रूरी हैं वाटर बॉटल्स हैं वो सेपरेट कर दूंगी टिफ़न जो है वो ऐसे एरिया में रख दूंगी जहाँ पे मेरे को ईजिली अवेलेबल इसके लिड वगैरह सब कुछ इजीली अवेलेबल होंगे तो देखिए मैंने ये भी सीए सेपरेटली सब धोए हैं बर्तन के साथ नहीं धोए हैं क्योंकि फिर मिक्स हो जाएंगे तो फिर ढूंढने में सुबह का टाइम ऐसा होता ना कि एक एक मिनट ना इतना ज़्यादा होता है ना कि एक एक मिनट भी अगर इधर उधर हो जाए ना तो टाइम की शेड्यूलिंग है ना जो वो गड़बड़ हो जाती है अगर हम टिफ़िन ढूंढने पड़ेंगे उसके लिड नहीं मिलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर पाँच मिनट हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं पाँच मिनट में हम कई कुछ कर पाँच मिनट में हम खाना भी खा सकते हैं पाँच मिनट में हम अपने बाल भी बना सकते हैं तो वो चीज़ें हैं मतलब जब कहीं जाना हो ना जो ऐसे हमारा लिमिटेड टाइम हो तो हमें काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है तो एक एक पल हमारा तब कीमती हो जाता है तो अभी मैंने ये प्लेट ली है क्योंकि जो हमारा यूटेंसिल रेक रैक है ना ऊपर वाला जो हमने ऊपर टंका हुआ वो उस, उसमें ऑलरेडी पूरे बर्तन फिल हुए पड़े हैं तो अगर मैं नीचे बास्केट में रखूँगी तो ये इसके जो ढक्कन है वो मिक्स हो जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैंने क्या किया अभी एक प्लेट एक थाली ली है उसमें मैंने ये सारे टिफ़िन और सारे उसके लिड्स और साथ में वाटर बॉटल्स साथ में ही रख दिए है सामने और ये बर्तन रखते हैं टिफ़न्स रखते हैं ताकि सुबह में जल्दी ही जैसे ही खाना बनाऊँ तो सबसे पहले पैकिंग कर लूँगी टिफ़िन की ये टेबल में रख दूँगी पैक करके तो फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद ये फिर मेरा बर्तन वेस्ट करने का कर मन भी नहीं कर रहा था कि कोई मैं पतीला वग़ैरह चढ़ाऊँ और उसमें ये बना रही हूँ मैं अपने लिए कॉफ़ी तो मेरा मन नहीं करा था तो ये एक छोटा सा बाउल टाइप्स का ही था तो इसमें ही मैंने अपनी अपने लिए कॉफ़ी बना ली अच्छा <coughs> मैं ये आ, मैं पहले कॉफ़ी की थी तो वैसे मैं बड़ी शौकीन हूँ चाय और कॉफ़ी की लेकिन मैं आपको बताऊँ अभी ये कॉफ़ी पीना मेरे लिए और भी ज़्यादा मस्ट हो गया क्योंकि बाहर जाती हूँ डस्ट होती है मेरे को डस्ट एलर्जी है तो जिनको डस्ट एलर्जी है साइनस की प्रॉब्लम है वो सुन लें कि कॉफ़ी बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है मतलब आप कॉफ़ी पिएँगे ना तो आपको जो एलर्जी वाली एक टैबलेट है ना वो नहीं खाने पड़ेगी एलर्जी वाली जो टैबलेट होती है लिबोसिट्राजन या सिट्राजन सिट्राजन मेरे को एलर्जिक है वो मैं नहीं खा सकती लिबोसिट्राजन खाती हूँ वो खाने के बाद क्या होता है शरीर की हालत अगर वो रात को आपने खाई है आपको रिलीफ तो मिल जाएगा लेकिन आप नेक्स्ट सुबह उठ नहीं पाओगे वो इतनी वीकनेस करती है अपनी बॉडी में तो जब से मैंने ये कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया है ना तो क्या है कि क्या है कि मतलब मेरे को वो एक टैबलेट जो है एलर्जी की वो नहीं खानी पड़ती है तो ये वैसे तो मेरे शौक़ के तौर पे मैंने कॉफ़ी पी थी लेकिन मैंने ये नोटिस किया वन वीक के बाद कि जब से मैं कॉफ़ी पी रही हूँ तब से मेरे को ये डस्ट वस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मेरे को पता चल गया कि ये कॉफ़ी जो है वो एलर्जी में स्पेशली ये डस्ट एलर्जी है कॉल्ड कप है इसमें बहुत ही बेनिफिशियल है तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कॉफ़ी भी नहीं तो जब मेरे पास पैकेट जो है ख़त्म हो रख अभी पैकेट ख़त्म हो रखा है मेरे तो को याद भी नहीं आ रहा लेने का तो आप छोटे छोटे पावचेज भी मंगा सकते हैं मतलब अफोर्डेबल है इतनी भी नहीं दस रुपये के पाँच पैकेट आ जाते हैं उसके पाँच कप आपके बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये मतलब जिनके जो मेरी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है ड से और वेदर से भी और अभी अभी गर्मी है तो हम क्या करते हैं एक एक मिनट में एयर कंडीशन में एक मिनट में, में, में बाहर तो फिर ये प्रॉब्लम ये सब मैनेज कर देते हैं ये एक कप कॉफ़ी का तो अभी मैं आपको मिल रही हूँ सुबह और सुबह का टाइम है मैंने नहा लिया है कपड़े पहन लिए हैं बस अभी तैयार मैं बाद में होंगी पहले मैं नूर को भेज दूँगी क्योंकि नूर की वैन पहले आ जाती है नूर की वैन जाने के बाद पंद्रह मिनट बाद मेरी वैन आ जाती है तो मेरे को पंद्रह मिनट मिल जाते हैं रेडी होने के लिए लेकिन अगर उसमें नहाना पड़े तो फिर मुश्किल हो जाती है तो मैं नहाने वाने का काम पहले कर देती हूँ अगर हो तो नहीं तो शेड्यूलिंग इज़ नॉट फिक्सड क्योंकि कोई पता नहीं है कभी हमारी नींद ना खुले पाँच मिनट नींद लेट खुले या दस मिनट नींद लेट खुले कुछ भी हो सकता है तो टाइम इधर उधर हो जाता है तो अभी मैं आज आज के दिन मेरे को शूटिंग करनी थी मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं कुछ ना कुछ शूट करूँगी तो इसलिए वजह से मैं आधा घंटा पहले उठ गई थी तो थोड़ा सा हो गया मेरा मैनेज यू नो उसके बाद फिर मैंने नहा लिया अब नूर को मैं बातें करते करते उसका मैं कर रही हूँ और येलो यूनिफॉर्म डाली है इसने आज इस दिन शायद हाँ शायद डे था हाँ वैडनेस डे था येलो यूनिफॉर्म चलती है वैडनेस डे का और उसके बाद फिर मैं नूर ने खाना खा लिया यहाँ पे क्योंकि नूर को मैं पहले ही दे देती हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि फिर वो परेशान हो जाती है जब मैं खाना उसके सामने रख देती हूँ और वो मैं उसकी चोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर वो परेशान हो जाती है कि मम्मा आप खाना नहीं देते अच्छे से तो वैसे वो सुबह खाती नहीं है सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि सुबह कुछ ना कुछ कुछ भी नहीं खाते हैं जब मैं मैं यहाँ पर स्कूल में आती हूँ ना तभी काफ़ी बच्चे मेरे को कंप्लेन करते हैं कि मैम जल्दी हमें जब लंच टाइम हो जाता है एकदम ही बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी हमें खाना खाने को मिल जाए क्योंकि मैम हम खा के नहीं आए हम कुछ खा के नहीं आते तो मैं उनको बोलती हूँ बोलती हूँ कि बेटा एटलीस्ट एक कप दूध का ही पी लो कुछ नहीं खा के आना तो तो ऐसा ही है नूर का भी नूर सुबह सुबह इसको नहीं लगती है तो मैं ज़बरदस्ती वाले ना एक दो हार्डली एक दो बाइट को बाइट को ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल देती हूँ कुछ ना कुछ उसके अंदर जाए और जब तक कि 11 बजे मोस्टली सारे स्कूलों में 11 बजे लंच टाइम होता है ग्यारह सवा ग्यारह इतना ही टाइम रहता है तो 11 बजे तक वो अपना टाइम उसका निकल सके इसलिए मैं कुछ ना कुछ उसको उसके पेट में डाल देती हूँ जैसे कि दो तीन बाइट डाल दूँगी और दूध डाल दूँगी अगर वो जिस दिन चाय पीने की करे तो मैं उसको चाय दे दूँगी कुछ ना कुछ मतलब एम्प्टी स्टमक उसको कभी नहीं कभी भी नहीं मैं भेजती हूँ तो दोस्तों अब सब लोग जा चुके हैं हस्बैंड भी जा चुके हैं और और नूर भी जा चुकी है अब ये ओनली मी टाइम है और मैं रेडी हूँ बाल सिर्फ बनाने हैं तो टाइम मेरे पास था तो मैं, मैं कर रही हूँ नाश्ता और मेरा नाश्ता एज़ यूज़ुल है चाय और पराठा तो बस दोस्तों उसके बाद फिर पाँच दस मिनट में ही मेरी बहन आ जाएगी और मैं पहुंचूंगी अपने स्कूल अपने जॉब पे और आऊंगी मैं तीन बजे कर तीन बजे के बाद देखते हैं क्या कुछ शूट करती हूँ क्या नहीं तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही ब्लॉग कैसा लगा किसी भी वजह से अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में टेक केयर एंड बाय